दोस्तों आपको मालूम ही होगा कि आज से लाखों साल पहले डायनासोर की तकरीबन 1000 के लगभग नस्लें इस धरती पर मौजूद थी, जो कि अपनी साइज और शक्ल सूरत से काफी ज्यादा खौफनाक थी। लेकिन इसकी ही एक नस्ल जिसका नाम था टायरेनोसॉरस या फिर टीरेक्स, जिसे किंग ऑफ डायनासोर भी कहा जाता था, यह इन सबसे ज्यादा खतरनाक था और यह आज के दौरे के वेस्ट नॉर्थ अमेरिका में रहते थे और इसकी ऊंचाई लगभग 20 फीट तक हुआ करती थी और इसका वजन करीब 14,000 किलोग्राम की हुआ करती थी। इसके जबड़े इतने मजबूत थे कि यह 57,000 न्यूटन की फोर्स पैदा कर सकते थे, जो कि अब तक रिकॉर्ड हुई सबसे ज्यादा ताकतवर पकड़ है, यानी कि एक हाथी को किसी पर बैठा दिया जाए। इसके अलावा इसके पंजों पर मौजूद छोटे छोटे नाखून शिकार को फाड़ने के लिए इस्तेमाल किए जाते थे। ये इतने खतरनाक थे कि अपने नस्ल के डायनासोर और अपने से बड़ा डायनासोर जो घास खाते थे उनका भी शिकार कर लेते थे, और इसकी रफ्तार करीब 40 किलोमीटर प्रति घंटा थी। इस डायनासोर की झलक हमें जुरासिक पार्क में देखने में मिलती है, लेकिन इन सभी डायनासोरों को अचानक से जमीन पर गिरने वाले एक उल्का पिंड ने खत्म कर दिया और बाकी बचे हुए जानवर भूख की वजह से मर गए।